15 साल वो भी राज किए, 15 साल ये भी राज किए हैं, हाँ। तो हम क्यों दें उसको वोट? मतलब इस बार अभी नया, हाँ, नया विकल्प है, हाँ। नया मूड है, अभी हम राजकुमार राम को एक बार BSP को देखेंगे। को देखे 15 साल, लालू जी को देखे राज, हाँ। 15 साल नीतीश कुमार जी को देखे राज, आज तक कुछ नहीं किया इस दलित में। हमारे तो नली गली भी नहीं पंचायत के लोग बनाए, जाके स्कूल, लेकिन पहले स्कूल बना है हम लोग के, जैसे बन गया है स्कूल वैसे स्कूल है, न प्लास्टर हुआ है, न केवाड़े लगा है, न जंगला लगा है, कुछ चल गया थोन, बनेगा बनेगा कब बनेगा? सब बोले कि बन जाएगा, तो कब बनेगा स्कूल? देखिए तो मेरा स्कूल तक छत तो बारिश होता है तो पूरा छत का पानी गिरता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ औरतें हैं जो साड़ी का काम कर रही हैं, कुछ बच्चे हैं जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और आप तस्वीरों में इधर देखिएगा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बैठे बात कर रहे हैं, मुद्दे पर बात हो रही है और ताश भी खेला जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आप ने लाइफ सिटीज देखना शुरू कर दिया है। ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये बसौर चकिया गांव है जो मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है। जी हां, जब हम मसौड़ी से जहानाबाद की ओर जा रहे थे तो हमें यहां पर ये दृश्य मिला। जब हमने यहां पर कुछ लोगों को देखा और जब मैंने उनसे पूछा कि ये लोग किस समाज से आते हैं, तो यहां पर ज्यादातर लोग दलित हैं, तो हमने सोचा कि रुक के इनसे बात की जाए और ये भी जाना जाए कि इस बार दलित किसके साथ हैं, क्योंकि मसौड़ी में दलित और यादवों की दबदबा है, उनकी तादाद काफी ज्यादा है। तो आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि इस बार इनका विधायक कौन होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अगर हम शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है। मेरा स्कूल है गांव का, 5वां क्लास का स्कूल है, हाँ। यहाँ पर स्कूल पूरा ढह के बिगड़ के पूरा टूटा हुआ है। अच्छा। थोड़ा सा तस्वीर। अच्छा, विधायक जो है आपकी रेखा देवी, कोई ध्यान नहीं दिया है? कोई ध्यान नहीं, मेरा गली भी कभी तो शिकायत किया, कभी बात करने की बात के सब चीज किया, तो आते हैं देखते हैं, बोले कि बन जाएगा, कब तक बनेगा? अभी तक तो नहीं बना है, 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या मूड बनाया? इस बार नया मुद्दा, नया चेहरा देखना चाहते। किसको? BSP को। BSP से कौन? BSP से राजकुमार राम। अच्छा, एक बार उनको मौका देना, उसको मौका देना चाहिए। कुमार राज, बिरजू वोट डालते हैं? जी डाल देंगे, इन सब इस बार डालेंगे, इस बार पहली बार डाल रहे हैं। हाँ, पहली बार। कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वोट डाल रहे हैं, मतदान कीजिएगा। हाँ, मतदान तो करेंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार? क्या मतदान में हमें लग रहा है कि इस बार पहले से लोग डाल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई ऐसा हो जिससे नया है उसको, नया चेहरा को हम लोग मतदान देंगे। BSP को। अच्छा, BSP क्यों? जैसे हम यहाँ पर आपके गाँव देखिए, जैसे कि हम लोग जदयू को भी देख लिए हैं, राजद को भी देख लिए हैं, हमारा स्कूल का स्थिति अभी तक वही वही है। अच्छा। तो सोच रहे हैं कि नया देख रहे हैं, राजकुमार राम को जिता कर देखिए क्या होता है। ये ऐसा स्कूल है, देखिए आप लोग, इसकी ये व्यवस्था कब से ऐसी है? बहुत पहले से ही, 5 साल हुआ, 2006 का टेंडर है। ये तो ऐसा लग रहा है कि तो गिरेगा तो बच्चे का, तो अभी तो ये ऐसा लग रहा है कि बना नहीं है, बन रहा है। बना कहाँ, देख लीजिए। तो आप लोग कभी शिकायत नहीं की? तो शिकायत तो सबसे विधायक आया, DM आया, देखे तपोर भी तो यहाँ पे नहीं बना, बोले कि सब बोले कि बन जाएगा, तो कब बनेगा स्कूल? देखिए तो मेरा स्कूल तो का छत तो बारिश होता है तो पूरा छत का पानी गिरता है। बारिश होता है तो छत का पानी, जाहिर सी बात है, यहाँ पर बच्चे बैठते कैसे होंगे? क्या व्यवस्था होगी? ऐसे नीचे बैठते, मार दिलीट का बच्चा सब ऐसे बैठते हैं, कुछ बिछाने का है, कुछ जंगला उंगला कुछ है नहीं है, ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? महादलित का टोला है तो ऐसे पढ़ रहे हैं, महादलित के टोले का ये हाल है। शिक्षक तो एक है, ये हाल है। यहाँ टीचर भी एक है, 5 क्लास है लेकिन टीचर एक है। कितने बच्चे हैं यहाँ? 300 होगा, 300 बच्चे पे एक टीचर, एक टीचर है। एस कुमार। अच्छा ये बताइए, यहीं के रहने वाले? जी यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले, क्या लग रहा है इस बार, क्या समीकरण क्या दिख रहा है? समीकरण तो त्रिकोणीय है मैडम। बिल्कुल त्रिकोणीय समीकरण तो है, लेकिन आप लोग का समर्थन किसके तरफ? हम राजकुमार राम को जिताने जा रहे हैं, जो BSP से हैं खारा। अच्छा, उनको जिताने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो समीकरण की आप त्रिकोणीय बात कर रहे हैं, एक तरफ RJD से रेखा देवी हैं जो आपकी वर्तमान विधायक, अगर हम JDU की बात करते हैं तो उधर से नूतन पासवान है और LJP की तरफ से परशुराम कुमार है, ये तीनों में से आपको कोई पसंद नहीं? नहीं, 5 साल तो रेखा देवी थे रहे हैं, तो हमारे यहाँ देख लीजिए विकास कितना दौड़ रहा है। फिर नूतन पासवान के बात है तो मेयर रह चुके हैं, तो उनको क्षेत्र में जाके विकास देखिए। अच्छा। कितना दौड़ रहा है, से
हम क्यों दे वोट आपको? हाँ 15 साल नहीं, परशुराम को तो हम जानवे नहीं करते हैं मैडम। हाँ क्यों दे वोट? 15 साल वो भी राज किए, 15 साल ये भी राज किए हैं, तो हम क्यों दे उसको वोट? मतलब इस बार अभी नया, हाँ नया विकल्प है, नया मूड है, अभी हम राजकुमार राम को एक बार BSP को देखेंगे, जो न्यू गठबंधन है उसको देखेंगे। इस बार क्या मूड है? हम लोग तो वही राजकुमार के देंगे। क्या है? हम लोग के बदलाव होना चाहिए। अच्छा हाँ। ये बताइए कि आपकी वर्तमान विधायक है रेखा देवी, काम नहीं की है? कहाँ, कुछ नहीं काम किए हैं। अच्छा कुछ यहाँ कुछ नहीं किए। क्या क्या मुद्दे हैं आप लोग के? कुछ यहाँ फंड देवे नहीं किया 5 साल में। अच्छा अभी तक नहीं फंड दिए हैं। अच्छा। तो हम लोग क्यों जिताए उनको? तो इस बार नया चेहरा चाहिए। हाँ, नया चेहरा चाहिए। हाँ। आपका नाम क्या होगा? बुद्धन दास। अच्छा आपका क्या मूड लग रहा है इस बार? मूड तो ये है कि 15 साल उन्हें राज किया जदुई ने, अब महादलित के टोला में पहले तो गया छिछा, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को तो कहीं देखा हुआ नहीं है, पहले तो लेके गए छिछा। फिर अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं तो अभी कहाँ पढ़ रहे हैं सर, कहाँ, लॉकडाउन लगा हुआ है, बेरोजगार है, तभी तो दास भटक रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो समस्या है, कोरोना है, लेकिन क्या इससे पहले बच्चे पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे थे इसी स्कूल में। टीचर की क्या स्थिति है? टीचर है? टीचर एक टीचर है, यहाँ पांचवा तक क्लास है, एक टीचर है, एक टीचर है, वो महादलित के गाँव में। बताइए मैडम की हम लोग क्या करें, किसको जिताए? 15 साल उसने राज किए और यहाँ कोई देखने तक नहीं आ रहा है। अच्छा। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा, बदलाव चाहिए। जो विधायक है रेखा देवी, काम की है? नहीं, एक को नहीं। एक बार भी नहीं, आते हैं जाते हैं मगर काम के लिए तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए हम लोग बदलाव बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव में किसको चाह रहे हैं? हम लोग तो ये बहुजन को देखना चाहते हैं, BSP को। अच्छा एक मौका, एक मौका एक बार और देखते हैं, देखते हैं कि जीत जाए तो हम लोग के लिए क्या करते हैं। मैं ऐसे प्राइवेट नौकरी करते हैं। अच्छा कहाँ नौकरी कर रहे हैं? गुजरात में करते थे, अभी तो लॉकडाउन लगने से घर पे आ गए हैं। अच्छा तो ये बताइए कि आने में लॉकडाउन जब लगा, जब आप आए होंगे तो काफी समस्या झेली? बहुत समस्या हुआ, लोगों को मारा पीटा गया वहाँ पे, बहुत लोगों को मारा पीटा गया, हाथ पैर तोड़ दिया गया वहाँ को, वहाँ का सर ऐसा मतलब वहाँ का सरकार का मतलब पुलिस कानून था, टिकट नहीं मिलता था, हंगामा रोज होता था कि आज मिलेगा कल टिकट मिलेगा परसों मिलेगा, ऐसा बिहारी लोग को बहुत। वहाँ से ट्रेन से आए? ट्रेन से आए। हाँ अच्छा। वहाँ का सरकार बस दिया, बस से वापस जंक्शन भेजा। अच्छा। उसके बाद हम लोग को ट्रेन। अच्छा, यहाँ सरकार की कोई मदद हुई? कोई मदद नहीं हुई, कोई मदद नहीं, कोई नहीं ना मुखिया। अच्छा, नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि जो प्रवासी आए हैं उनको हम यहाँ पर रोजगार कुछ देंगे। कुछ नहीं, कहाँ मिल रहा, जो मुखिया जो भी बोले कि वो भी कुछ नहीं मिला, बोला कि तुम लोग अपना अपना घर जाओ, कोरोना में हम लोग को कुछ नहीं दिया गया भी नहीं, हम लोग अभी ऐसे ही अलचारी बैठे हुए हैं। अच्छा। हम लोग के कोई उपाय नहीं हो रहा है, कोई उपाय नहीं हो रहा है, कहीं से रोजगार, कुछ नहीं, नहीं रोजगार हो रहा है, देख रहे मैम बैठे हुए हम लोग, बैठे हुए हैं तो इसलिए ताश खेल रहे हैं, अब क्या करें, टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। आप अच्छा ये बताइए, युवा हैं आप? यस मैम। भारत की आधी आबादी युवाओं की है, युवा जो है वो दिशा और दशा बदल सकते हैं। यस मैम। क्या लग रहा है युवा इस बार किसको जिताने का मूड बना रहे? हम तो एक बार मायावती को जिताने, बहन को जी को जिताने जा रहे हैं, उनके कैंडिडेट। हाँ उनके कैंडिडेट हम लोग हैं। हाँ। और उन्हीं को हम अच्छा समझ रहे हैं, सबको देखे 15 साल, लालू जी को देखे राज। हाँ। 15 साल नीतीश कुमार जी को देखे राज, आज तक कुछ नहीं किया इस दलित में, हमारे तो नली गली भी नहीं पंचायत के लोग बनाए। पानी आ रहा है लेकिन अभी वो भी ठीक ठाक कहाँ से है? कुछ भी नहीं है मैम, मेरे गाँव में स्कूल तक तो बना ही नहीं है ढंग से। अच्छा। हमारे गाँव में स्कूल तक भी नहीं बना गया है। क्या इस बार मूड कह रहा है, इस बार किसको मौका देंगे? हम लोग सब है हाथी का। हाथी का जी। अच्छा मतलब एक बार इनको देखना है। एक बार इनको देखना है, जिस तरह से देखें देखना इसी को अगली बार। महिला की क्या क्या समस्या है, क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो यही है कि एगो गरीब आदमी कमा है तो एगो के कमानी से 4-5 बाल बच्चा पोसा है। हाँ। पढ़ाई लिखाई एगो के पढ़ावा है तो 4 के ताके पर है गरीब आदमी के, यही हो जाए और कुछ ही है। कहा स्कूल में नहीं भेजती है, सरकारी स्कूल है। स्कूल ने भेजी थी तो खाली स्कूल से ती लेकर निकल जाता है, एक लेकर मछली मारी थे। यहाँ पर औरतों का क्या परेशानी है, औरतों का क्या समस्या है? समस्या कोची खेंद्रा सीते रोड पर ना जगह ना जमीन अधिकार समस्या है तो है कि रोड पर आके बैठा है। अच्छा और शौचालय वगैरह है? और नहीं कुछ नहीं, हम लोग ही है, शौचालय नहीं है। नहीं रोड पर जाते हैं हम लोग। हाँ ना तो इतना इतना पानी में उधर है भरा हुआ है, उधर उधर पानी में हम लोग हेल के जाते हैं पिछुल्ला में इसी है। अभी देख रहे हैं ना पानी। हाँ। पानी सब ये माह क्रॉस कर रहा है हम लोग,
लैट्रिन के लिए जा रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए कि आपके जो विधायक हैं इस बार वर्तमान रेखा देवी, वो भी महिला हैं, तो जब वो आती हैं तो काहे ना बताती हैं कि सब बताते हैं सीटर नहीं बनाते हैं तो क्या करें उसको, हम मार करें बतावेला तो बताएबे खड़ा है ता बनता वा बंधो कहिया बनाएबा। अच्छा वो बोलती हैं कि बनता वा बनता वा, लेकिन नहीं बताती हैं कि कब बनेगा, 5 साल कम वक्त नहीं होता है ना, कुछ नहीं देते हम लोग। अच्छा ये बताइए गैस चूल्हा उल्हा मिला हुआ है, राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, गैस चूल्हा कुछ नहीं मिल रहा है, गैस चूल्हा अपना रुपया लगाते हैं लाते हैं बस। अच्छा और राशन मिल रहा है? हाँ ला राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। हाँ। बच्चा लोग स्कूल स्कूल जाता है? हाँ यही स्कूल है बगले में। स्कूल का स्थिति कैसा है? जो मास्टर अभी तो लॉकडाउन में नहीं आ रहा है, मास्टर है। हाँ हाँ एक मास्टर 5 क्लास तक के बच्चे को कैसे पढ़ाते होंगे? अब वो है जैसे बैठ के पढ़ाते हैं वैसे लड़कन लोग झूठ सच पढ़ते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं चल जाते हैं घर। तो आप लोगों को समस्या नहीं होती है कि ऐसे रहेगा तो फिर क्या होगा, बच्चे भविष्य में क्या करेंगे? अब देखिए ना जाके स्कूल, लेकिन पहले स्कूल बना है हम लोग के, जैसे बन गया है स्कूल वैसे स्कूल है, न प्लास्टर हुआ है न किमारे लगा है न जंगला लगा है, कुछ भी नहीं है। चल गेल थून। अच्छा। बनेगा बनेगा कब बनेगा? तो सुना आपने कि यहाँ के लोगों ने साफ कहा है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो भी एक महिला है, उनका नाम है रेखा देवी जो RJD की है, लेकिन यहाँ के लोगों ने साफ कहा है कि सिर्फ वो आती है और कहती है, आश्वासन देती है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कखनी, यहाँ के लोगों का सवाल है कि हो तो जाएगा लेकिन कब। तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ के लोग इस बार बदलाव के मूड में, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार उन्हें एक नया विकल्प चाहिए। जी हाँ, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यहाँ पर होगा क्या, लेकिन ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन ऋषि के साथ मैं समरीन, लाइव सिटी, शुक्रिया।